या अखिलेश ले गए चोटी, सरकारी बंगले के सहारे बिछी सियासी बिसात, मुद्दा विहीन सियासत में टोटी से शह और मात, सूबे में सियासत के लिए सिर्फ टोटी बची है। बिल्कुल बड़ा गंभीर सवाल है, क्या सूबे में सियासत के लिए सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं? जो सारी सियासत टोटी नलको स्विमिंग पूल पर आकर टेक गई है, लेकिन विडंबना ही यही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटियां लहराते हुए, और जवाब में सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैसे पलटवार किया, जरा देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। मैं टोटी लेकर के आया हूं, और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। मगर वो कुछ भी छोड़ के तो टोटी से क्यों परेशान है, ये बताना चाहिए उनको। मेरे तो समझ के बाहर हो रहा है, वो टोटी से ज्यादा परेशान है, ये छोड़ के आया, वो छोड़ गया, टोटी के बारे में क्यों इतना लेके हाथ में भी घूम रहे थे, ये बताना चाहिए उनको। क्या मुख्यमंत्री के OSD अभिषेक गए थे कि नहीं गए थे, और एक मृत्युंजय नारायण IAS इनोवा गाड़ी में गए थे कि नहीं गए थे? ये OSD अभिषेक गए थे वहां पर, अपने हाथ में मोबाइल लेकर के गए थे, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। RSA की टीम गई थी, PWD की टीम एक कैमरा लेकर के पहले से तय था कि कैमरा लेकर के आ पाएंगे। जहां तक कि कुछ उन्होंने बिंदुओं पे प्रश्न उठाए हैं, उसको भी एक मुहावरे से मैं बात को खत्म कर दूंगा, उल्टा चोल कोतवाल को डांटे। तो ऐसे ऐसे बिंदु जो उन्होंने उठाए हैं, तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इतना ही कहूंगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज आप सबने देखी होगी, तो जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो बौखलाया हुआ ही कुछ ना कुछ बोला जाता है। और अगर जो साथी वहां गए होंगे उन्हें पता होगा कि वुडन फ्लोरिंग आज भी वैसी की वैसी वहां पर पड़ी है, केवल एक कोना जो विजिबल था उसको कितने करीब से फोटो खींची, जो हमारे गोदाम का जो खाली सामान था पड़ा था वो भी आ जाए, फ्लोर ऐसा लगे लकड़ी का कि जाने क्या है। और वही तस्वीर अगर मैं दूसरे कोने से दिखा दूं तो लॉन के बाद एक शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है, और नहीं मानते मुझसे देख लेना, मैं दिखाऊं कि ना दिखा दूं आपको, कि जब आप दीवार कोई तोड़ता है या घर को गिराता है जिसमें आप रहते हो, ये पढ़ा लिखा असभ्य समाज का व्यक्ति नहीं करता है। आपने खाली दीवार क्यों तोड़ी, उसका रहस्य क्या है, दीवार के पीछे क्या छुपा था वो आप बताइए, उसके अंदर क्या था जो तोड़ के ले जाना आपको बहुत आवश्यक लगा वो जरूर बताइए। What was hidden behind the wall, we need to know and the public wants to know. ये जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत चीजों का खुलासा होता है। अरे हमने एक्सप्रेस वे बनाया, शानदार, दुनिया का बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनाया है, और आप तो टेंडर कैंसिल कर रहे हो, एक बार में नहीं आगे बढ़ पाए फिर टेंडर कैंसिल कर दिया, कितने छोटे दिल के इंसान हो आप, कितना छोटा दिल है। मेट्रो के उद्घाटन में गए, पुरानी सरकार को धन्यवाद तक नहीं दिया, कहा कि उनका सपना था, वो उन्होंने सपना देखा था मेट्रो का, अभी बस जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है बस का, इतना छोटा दिल सरकार का, ना पुरानी सरकार का धन्यवाद दिया ना बनाने वाले का धन्यवाद दिया। ये जनता की गहरी कमाई का पैसा होता है जिसको योजनाओं में लगाया जाता है, जब आप लगाते हैं तो आपका दायित्व बनता है उसको कंप्लीट करने का, उसको पूरा करने का, मगर उसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि एक टिकट भी ना फटे और आप रिबन काट दें मेट्रो का, आपका एक्सप्रेसवे तैयार भी ना हो मगर दुनिया को दिखाने के लिए
एक सेगमेंट रोड के ऊपर आप खाली प्लेन उतार दें और वो रोड भी तैयार ना हो, वो काम नहीं करना चाहिए। तो आप जो काम के लिए शिलान्यास करके हवाई लूटते रहे हैं, उसको सरकार जो भी आती है और जिम्मेदार सरकार आती है वो पूरा करती है, वो हम लोगों ने किया है और वो करते रहेंगे। तो वो घर क्योंकि मुझे मिलने जा रहा था, तो इसलिए घर मैंने अपनी पसंद से उसको बनाने का काम किया है। कि जो अफीमची होते हैं, जिन्हें नफरत जलन होती है, और वो सब सामान मेरा था। कल मुझे घर में रहना है, जिस तरह का घर मैं ठीक कर रहा हूं, आपको जाके देखना चाहिए था घर कैसा है। आपने कभी ये तारीफ नहीं की होगी कि घर भी नहीं हमारे पास, हमने कौन सा घर लिया, किसका घर लिया और उसकी हालत क्या थी, उसको ठीक कर रहा हूं मैं। कम से कम आपको जानकारी करनी चाहिए सरकार से कि वो घर कैसा था। आपने कुछ और भी कहा और कहा ये कि बंगला मैंने अपनी पसंद से बनाया और अपना पैसा लगाया वहां पर। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी पसंद के हिसाब से अपना पैसा लगाया और बहुत ज्यादा लगाया। आपने कहा क्या हालत थी उसकी, आके देखता कोई तो शायद इनकम टैक्स वालों को देखना चाहिए कि उसका हिसाब सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो देखें। उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप ही सबमिट कर दीजिए कि आपने जितना लगाया था उसका पैसा कहां से आया और कैसे दिया। तो यूपी की सारी सियासत अब टोटियों और नलकूप पर आकर अटक गई है। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी से जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, स्वागत दीप्ति जी आपका। अब्दुल हफीज गांधी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, स्वागत सर आपका भी। देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत सर। और विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब्दुल हफीज गांधी साहब मुझे ये बताइए सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैंने इस बंगले में अपने हिसाब से इस बंगले को बनाया, सुंदर बनाया, उसमें पैसे लगाए और मैं जब गया निकाल कर ले गया। कोई किराएदार भी जब जाता है मकान मालिक के घर पे, अपने सहूलियत के लिहाज से, अपनी पसंद के लिहाज से सारे सामान वो रखता है, शीट्स लगाता है, लेकिन जब जाता है दीवार थोड़ी ना तोड़ के चला जाता है, वो शीट ही तो वापस ले जाता है। टाइल्स तोड़ दिए, अच्छे अच्छे टर्की के टाइल्स, शीशे तहस नहस करके थोड़ी जाता है घर। मुझे जरा ये समझाइए, टोटियां लेकर लहराने की नौबत कैसे आ गई। देखिए अपूर्व जी, मैं समझता हूँ शायद आप इन्वेस्टिगेशन कर बैठे हुए हैं कि ये किसने तोड़ा और कहाँ तोड़ा, ये तो जांच का विषय होना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि ये किसने किया ये बताया जाए। एक बात बताइए मुझे कि राज्य संपत्ति विभाग की जिम्मेदारी होती है सारा चेकिंग करे कि नहीं करे, इन्वेंट्री होती है कि सरकार क्या क्या देती है क्या क्या नहीं देती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि और भी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने घर खाली किए थे, क्या सीएम साहब के जो ओएसडी हैं अभिषेक कौशिक और जो दूसरे जो मीडिया एडवाइजर हैं मृत्युंजय कुमार जी, वो क्या मीडिया को लेकर दूसरी जगह भी गए थे? 2 जून को घर खाली किया गया था और 9 जून को इस तरह का जो एक पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया सिर्फ बदनाम करने के लिए, और ये साजिश नहीं है तो क्या है ये, आप मुझे बताइए। क्या दूसरे उप मुख्यमंत्रियों के साथ जो उन्होंने खाली किए थे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, क्या उनके साथ भी ऐसा किया गया? क्या राजनाथ जी के यहां पर कोई मीडिया गया या लेकर गया, फोन कर मीडिया को बुलाया गया और मीडिया के साथ जाया जाता है? तो ये साजिश और कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है? ये एक बौखलाहट है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर, इन सबकी बौखलाहट है। आज भारतीय जनता पार्टी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है, ठीक है। जिन गवर्नर साहब ने पिछले 14 महीने से लेटर्स नहीं लिखे हैं, आज वो लेटर्स लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यही लेटर अभिषेक गुप्ता को जब 9 महीने के अंदर उनका दिमाग 9 घंटे के अंदर उनका दिमागी संतुलन सही किया गया लखनऊ पुलिस द्वारा, तो गवर्नर साहब को लेटर लिखना चाहिए था, क्योंकि 30 अप्रैल का जो लेटर गवर्नर साहब ने लिखा था 40 दिन सरकार उस पर बैठी रही और कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि प्रमुख सचिव के खिलाफ वो लेटर था। आज हालात ऐसे हो चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि बंगले में सब कुछ ठीक था, उस बंगले आपके मुताबिक माहौल झूठ है और आपके मुताबिक सब कुछ ठीक है। अखिलेश यादव तो खुद मान रहे हैं सर, अखिलेश मैं समझना चाहता हूं आपका स्टैंड है क्या कि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ये, सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, जरा क्लियर बताइए। पॉलिटिक्स वेंडेटा पॉलिटिक्स ठीक बात नहीं है ये, ठीक है।
अखिलेश यादव खुद मान रहे हैं कि उन्होंने कई सारा सामान लगवाया था, उखाड़ कर ले गए, यानी उखाड़ा ना। देखिए अपूर्व जी, पर्सनल बिलोंगिंग्स को कोई नहीं छोड़ता। हम तो कह रहे हैं कि राज्य संपत्ति विभाग ये बताए कि क्या क्या इन्वेंटरी दी गई थी। तो हमारा साफ कहना है कि पर्सनल बिलोंगिंग जो होती है वो ले जाई जाती है, लेकिन हम कह रहे हैं, इसलिए पूछा क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था सारे आरोप निराधार हैं, कुछ उखड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर उखाड़ा किसने? बड़ा सवाल ये है दीप्ति भारद्वाज जी, फिर आपने उखाड़ा क्या, कैसे साबित करेंगे? आपने जो इन पर आरोप लगाए कैसे साबित करेंगे? आप लोग अभी तक जांच भी नहीं करवा पाए। 9 तारीख का ये मामला था, 13 तारीख हो गई है, अभी तक इस मामले पर कोई जांच भी नहीं हुई। आरोप राज्य संपत्ति विभाग पर और सरकार पर है। ठीक है, जवाब दीजिए दीप्ति जी। जी जी अपूर्व जी, 7.5 लाख की BMW साइकिल चला करके समाजवाद लाने वाले, बल्कि नव समाजवाद के जनक हैं अखिलेश, माननीय अखिलेश यादव जी, और स्वाभाविक है कि उन्होंने कई और भी प्रतिमान गढ़े, और उनमें से सबसे बड़ा प्रतिमान ये था कि लगभग 2.5 लाख की कीमत वाली जो उन्होंने अपने यहाँ टोटियां लगवा रखी थी, और जो दुबई से मंगा करके उन्होंने चांदी का शॉवर लगा रखा था, स्वाभाविक है कि इतना बड़ा मन चाहिए उसके लिए छोड़ने के लिए, तो उनकी नीयत डोली, और उन्होंने कहा कि कुछ हो ना हो लोगों को बाद में यह पता लगेगा कि आखिर मैं समाजवादी होकर के और कितना भव्य जीवन जीता था, उसको वो प्रदर्शित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने, चूंकि कोर्ट ने उनको समय नहीं दिया, वरना वो चीजों को वहां बदलवा देते और चीजें वहां से ट्रांसफर हो गई होती, लेकिन वो आनंद फानंद में और इतनी जल्दी जल्दी चीजों को किया गया कि उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग को उजाड़ करके रख दिया। ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। तो ये इस तरीके के नव समाजवाद के जनक जो है, जिस प्रकार के लोकतंत्र की बात करने लगे हैं आजकल, और किस प्रकार से उन्होंने अपने इस बंगले को बचाने के लिए बहन मायावती के शरणागत भी होना शुरू हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा दर्द है इस बात का कि उन्होंने सोचा था कि उन्हें आजीवन इस बंगले में रहने का अवसर मिलेगा, लेकिन कोर्ट ने उस अवसर को छीन लिया और अब उन्हें अपने लिए नई जमीन तलाश करनी पड़ रही है, नई जगह तलाश करनी पड़ रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि 7.5 लाख रुपए की साइकिल तो चला सकते हैं, पर अपने लिए एक आवास नहीं बना सकते। ये एक और नया ड्रामा उन्होंने रचा हुआ है, और आज उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं टोटी लेकर के आया हूं और टोटी बताना चाहता हूं। स्वाभाविक है कि वो टोटी वो नहीं थी जो 2.5 लाख में आती है और जो उन्होंने अपने घर में लगवाई थी। देखिए मैं कह रहा हूँ दीप्ति जी, अपना भूल रही है, बीजेपी का जो ऑफिस दिल्ली के अंदर बना खड़ा है और लखनऊ के अंदर बना खड़ा है, इसकी भी जांच करा लीजिए। दिल्ली के अंदर 1300 करोड़ का जो है ऑफिस 13 महीने के अंदर बन जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी इलेक्शन कमीशन पर अपना डाटा दिया है, वहां पर जो है ट्रेजरर का भी सिग्नेचर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आज जितना चंदा 2016-17 के अंदर मिला है, वो 7 पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिला है। 526 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और भारत की बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज है 7, उनको 56 करोड़ रुपए मिलता है। ये कहां से पैसा आ रहा है? वो आज जो है नई तरीके की पॉलिटिक्स और नई तरीके की पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है। और जो अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी बोल रहे थे, वो बहुत ज्यादा जो है बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन रहे हैं, जिन्होंने जो है बीआरडी में जो बच्चे मरे उनको कहा कि अगस्त में इस तरह की मौतें होती हैं, तब उनका ये ज्ञान कहां गया था? तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बदनाम करने की और विंडिक्टिव और विंडिटा पॉलिटिक्स कर रही है, देखिए राजनीति में पार्टियां सरकार में आती हैं जाती हैं, लेकिन जिस तरह का संयंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है ये इतिहास में। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, यही दिन बाकी रह गया था, बस टोटियों पर सियासत होगी, सारे मुद्दे पीछे छूट गए, टोटी नलके स्विमिंग पूल पर सियासत हो गई। देखिए अपूर्व भाई, मैं बहुत ही अस्पष्टता के साथ और साफ गोही से इस बात को कहना चाहता हूं कि हम राजनीतिक दलों को, राजनीतिज्ञों को सबसे पहले शुचिता का, ईमानदारी का, नैतिकता का बोध होना ही चाहिए, आवश्यक इच्छाओं को जितना सीमित रखा जाएगा आवश्यकताएं उतनी ही होंगी। निश्चित तौर पर जो आज लग्जीरियस लाइफ कुछ राजनीतिक लोग जीने का एक उनकी शौक है, हम समझते हैं ये राजनीतिज्ञों के लिए नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी ने भी कुछ ऐसे मापदंड स्थापित किए थे कि हमेशा शुचिता, ईमानदारी होनी चाहिए और जीवन शैली में एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। रही बात आज जो आवास पे, जो अखिलेश यादव जी के आवास की टोटियों के बारे में, तो इसमें साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
आज विपक्ष से और विपक्ष की एकता से बौखलाई हुई है देख करके। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पहले अपने अपने गृहवान में झांक के देखती कि किस तरीके से वो 10 स्टार होटल टाइप का वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाते हैं। और हाफिज भाई ने उनको सही कहा कि जिस तरीके से 2016 और 17 का जो कारपोरेट्स का जो चंदा है आज उनको 1050 करोड़ के ऊपर उनको पैसा मिला है। और वो कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी देश की पार्टी है, जंगे आजादी की पार्टी, मात्र कुछ करोड़ रुपए दिए गए हैं। और आज कांग्रेस का जो भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कार्यालय हो चाहे दिल्ली का कार्यालय है, बिल्कुल एक एक बहुत ही साधारण और सहजता के साथ में राजनीति किया जाता है। कांग्रेस के कार्यालय में कौन संजल लगे, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है आज, नेताओं के अंदर आया है निश्चित तौर पर। कांग्रेस के कार्यालय में कौन से नल लगे, कैसे वॉशरूम बने, कौन सा आने पे जवाब सर सुनिए तो, ये मुद्दा नहीं है आज, कहां ले जा रहे हैं आप? कोई भी हो, चाहे कोई भी अब्दुल जी को, इसीलिए मैंने टोका कि मुद्दा नहीं है। आप उसी को गिनाएंगे, कहां दिल्ली में आपके कितने नल लगे हैं, तो यूपी वाले में कितने नल लगे, ये मुद्दा नहीं है सर। आज जिस तरीके से राजनीति हो रही है निश्चित तौर पर इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए। और रही बात अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा उनको बदनाम किया जा रहा है, अच्छा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलिए कम से कम आपने जांच करवा ली, आपने जांच करवा ली, ये अच्छा लगा। ये कौन सी जांच एजेंसी से जांच करवाई है देवेंद्र जी, जरा ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि अभी तो यही तय नहीं हुआ है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, अभी तक जांच नहीं हो पाई है, लेकिन आपने जांच करवा ली। और अपूर्व भाई, इनके दो एक विधायक, एक युवा विधायक थे सर, सवाल तो सुनिए, कद्दावर नेता जो है हुकुम सिंह जी थे सर, सवाल तो सुनिए कि अपना ही बोलते रहेंगे जनों को, उनका जो है एक तरीके से, एक सेकंड देवेंद्र जी, एक सेकंड देवेंद्र जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर आपको, भारतीय जनता पार्टी आवाज आ रही है सर उनके, या फिर आप बोलते रहेंगे, एक डर व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर, दीप्ति जी आवाज आ रही है मैम, कि नेता जो मुझे आ रही है, देवेंद्र जी को बता दीजिए, शायद आवाज नहीं आ रही है देवेंद्र जी को, बदनाम करके, ठीक है ये जो है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, एक सेकंड, लगता है आपको आवाज नहीं मिल पा रही है, इसीलिए आप लगातार बोलते जा रहे हैं, सवाल नहीं सुन रहे मेरा। विजय उपाध्याय जी, ये कैसे तय होगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? सरकार अपनी तरफ से जांच कराएगी, अगर जांच रिपोर्ट में सरकारी अफसर ये कहते हैं कि नहीं अखिलेश यादव ने तोड़ा है, अखिलेश यादव इस स्थिति में करके गए, तो आरोप यह भी लगेगा कि आपने अपने लोगों से जांच करवा दी इसीलिए आरोप लगवा दिया, कैसे तय होगा? और फिर सवाल कई सारे खड़े होते हैं, अखिलेश यादव की चुप्पी अभी तक क्या बोलती है? जब ये मुद्दा तो पिछले 4 दिनों से टीवी चैनलों पर चल रहा है, लेकिन तब सामने नहीं आए, जब राज्यपाल ने इस मामले पर सरकार को कह दिया कि जांच करो और सच्चाई का पता करो, तब अखिलेश यादव टोटियां लेकर सामने आ गए, यह भी सवाल खड़ा होता है। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है भ्रष्टाचार हो रहा है, अखिलेश यादव कुछ छुपा कर चले गए होंगे उन दीवारों के पीछे, उन टाइल्स के पीछे, सरकार भी नहीं, भी अभी तक जांच नहीं करवाई, ये दोनों तरफ से टोटी पॉलिटिक्स हो रही है क्या? निश्चित तौर पर ये टोटी पॉलिटिक्स है, और ये शायद एक बड़ा मूव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। आप देखिए कि जिस तरीके की बातें आज अखिलेश जी ने कही, उन्होंने तो खुद कहा कि मकान मेरा बनाया हुआ है, मैंने अपनी पसंद से बनाया है, तो अब जांच करने के लिए बहुत सी चीजें आगे बढ़ गई हैं, कई कदम आगे चीजें चली गई हैं। पहला ये कि सरकारी जमीन है और मकान बना, उस मकान का नक्शा पास हुआ कि नहीं पास हुआ, और उस मकान के जो बाकी जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो क्या राज्य संपत्ति विभाग ने लिया कि नहीं लिया, और अगर राज्य संपत्ति विभाग ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की, जो पुराना मकान था वो कैसे कैसे पूरा एकदम से नए कलेवर में आ गया, उसके आसपास के जो मकान उसमें शामिल हो गए, क्या उसका एलडीए ने नक्शा पास किया कि नहीं किया, और साथ में ये जो टूट फूट की बात है, उन्होंने तो खुद कहा हमने एक मिनी स्टेडियम बनाया था, मैं उखाड़ के ले गया उसको, स्टील का स्ट्रक्चर था, और बाकी जो एसी वगैरह लगे थे वो राज्य संपत्ति विभाग को बताना चाहिए कि वो उनके निजी थे या अखिलेश के थे या राज्य संपत्ति विभाग के थे। साथ में अगर अखिलेश कह रहे हैं कि बंगले को मैंने अपनी पसंद से बनवाया और राज्य संपत्ति विभाग कह रहा है कुल 99 लाख रुपए उनके खर्च हुए हैं, तो बाकी पैसा कहां से आया? अगर अखिलेश जी ने लगाया तो उनको वो कमरे भी तोड़ के हटाने चाहिए जिन कमरों को उन्होंने निर्माण किया है। तो ढेर सारे ऐसे सवाल हैं, ये मामला पूरा पॉलिटिकल हो गया, और आज टोटी दिखाकर जिन लोगों ने भी एडवाइस किया हो अखिलेश जी को कि आप टोटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मुझे नहीं लगता कि ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री,
वो बहुत ही नाराज भी थे। अखिलेश जी बहुत सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के नेता पहचाने जाते रहे, खासतौर पे विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो संयम और धैर्य का परिचय दिया मुख्यमंत्री रहते हुए, जब खासतौर पे उनकी पार्टी के भीतर और घर के भीतर के झगड़े बाहर आए थे, तो आज वो जो उनका रूप था वो थोड़ा भिन्न था और शायद वो मीडिया से भी बहुत नाराज थे। उनका शायद इशारा ये था कि मीडिया ने गलत तरीके से रिपोर्टिंग की है। देखिए मीडिया ने तो रिपोर्टिंग की है और मीडिया ने ये दिखाया कि भाई जो वुडन कोर्ट है वो टूटा हुआ है और चीजें टूटी हुई हैं, उसमें टोटी का भी जिक्र आया कि टोटी रखी थी और उठा के लगा दी गई या लगी थी निकाल के रख दिया गया, ढेर सारे ऐसे ऐसी बातें हैं। लेकिन बात यह है कि संदेश क्या जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता को इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या इस तरीके से अटैक करना चाहिए उनको, खासतौर पे मीडिया को लेकर, जहां आप देखिए जो फर्क है, मुलायम सिंह का बंगला बगल में है वो भी उतना ही भव्य और शानदार बंगला है, उसमें कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। ठीक है कि राजनीति की होगी सरकार ने, रूलिंग पार्टी ने राजनीति की है, बीजेपी ने राजनीति की होगी, और राजनीति क्यों ना करे बीजेपी, अगर आप मौका देंगे तो राजनीति तो होगी ही होगी। मुझे लगता है कि उनको शायद अपने उन लोगों को थोड़ा धैर्य से रखना चाहिए था या इस चीज को पहले ही ऑन कर लेना चाहिए था। हाँ, हमारी वजह से जो टूट फूट हुई है, उन्होंने कहा भी कि हम उसको वापस कर देंगे सामान को, लेकिन बार बार ये कहना कि हमने अपने पैसे से बनाया, हमने अपने पैसे से बनाया है, तो अब सवाल खड़ा हो गया दूसरा कि भाई पैसा आपने किस रूट से, पैसा का आया किस तरीके से, पैसा खर्च किया, तो राजनीति की दिशा ही बदलती जा रही है। जवाब मैं अब्दुल हमीद गांधी साहब से लूंगा, लेकिन और चीजें बहुत बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। अब ये राजनीति टोटी से आगे जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाने की कोशिश रूलिंग पार्टी कर रही है, जिस तरीके से मुहावरे का इस्तेमाल किया सिद्धार्थनाथ ने, तो वो बताता है कि शायद इस अवसर का भरपूर लाभ सत्ता पार्टी लेना चाहती है। मौका दिया है, कहीं ना कहीं चूक हो गई। और वैसे भी राजनीति में मुद्दों का तो आजकल अकाल है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे सामने आ गए, टोटी पॉलिटिक्स हो रही है और कौन छोड़ेगा ऐसे मुद्दे। ठीक है, मैं सभी के पास लौटता हूँ, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल यह भी होगा कि अगर अखिलेश जी ने अपने पैसे से इतना सारा करोड़ों का काम करवाया है, वो पैसा कहां से आया, किस रूट से आया, जैसा कि विजय उपाध्याय जी ने कहा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होता है। बंगले की बर्तर टोटी बची है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या सूबे में सियासत के लिए सिर्फ टोटी बची है, यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार सारी सियासत सारे मुद्दे पीछे छूटते हुए टोटी पर कैसे अटक गए। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, ब्रेक से पहले जो बात विजय उपाध्याय जी ने उठाई कि अब तो ये भी सवाल खड़ा हो गया है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इतने करोड़ों रुपए का आपने अपने अंदर निर्माण कराया, सामान साज सज्जा का करवाया, कहां से आया वो पैसा, उसकी भी जरा जानकारी दे दीजिए सबको। कि ये तो जो बात विजय उपाध्याय जी ने उठाई बहुत जायज बात है और फिर जांच का विषय है, और जांच तो फिर अगर इस चीज की होगी तो मैं समझता हूं कि फिर हर चीज की भी होनी चाहिए, क्योंकि जांच स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की नहीं होगी, जांच फिर हर पॉलिटिकल पार्टी की होगी। फिर सवाल ये भी उठेंगे कि जो लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस बना है, मल्टी स्टोरेज ऑफिस, उसका पैसा कहां से आता है और वो मल्टी स्टोरेज कैसे बन जाता है, क्योंकि जब राज्य संपत्ति जब परमिशन देती है तो क्या वो इस चीज के परमिशन देती है कि आप तब्दीली कर लें। तो हम हर जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल पॉलिटिक्स का है, क्या पॉलिटिक्स का स्तर इस स्तर तक गिर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की जो है जो ये राजनीति के अंदर जिस तरह की बातें आ रही हैं वो क्या इस तरह की होनी चाहिए। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि और भी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बंगला खाली किया है, क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी तो सर आप ही मीडिया को लेकर वहां पर टोटियां लहरा कर क्या बताया सर आपने। मैं ये बात बता रहा हूं कि 2 तारीख को खाली किया, 9 तारीख को ये चीज हो रही, तो 7 दिन के अंदर क्या हुआ ये भी तो हम जानना चाहेंगे, ये भी तो जांच का विषय होना चाहिए कि 7 दिन के अंदर वहां पर किस तरह की कार्रवाई हुई, क्योंकि चाबी तो राज्य संपत्ति विभाग के पास है, चाबी तो सरकार के पास है, हम भी तो ये पूछना चाहेंगे कि ये इतनी जो बड़ी मात्रा में वहां जो तोड़फोड़ हुई है वो किसने की है, सफाई देते थे इतना समय कैसे लग गया, क्या ढूंढ रहे थे, बिल ढूंढ रहे थे क्या। नहीं, जब जिस तरह से विलिफिकेशन कंपेन चलाया जा रहा था, जिस तरह से बदनाम करने का कंपेन सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बाकी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां पर क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी जाते हैं, यानी जवाब क्या पहली बार ऐसा हो रहा है, चलिए क्या पता लगता है, बताइए कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है, अपूर्व जी इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है, ये राज्य संपत्ति विभाग का मसला था, राज्य संपत्ति विभाग मीडिया को इन्वाइट करती, लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी वहां क्या कर रहे थे,
आप मुझे बताइए अभिषेक कौशिक जी वहां क्या कर रहे थे, दूसरे जो मीडिया एडवाइजर हैं मृत्युंजय कुमार जी वो वहां पर क्या कर रहे थे, जवाब दीजिए। सीधा बू आ रही है वहां पर, इसमें साजिश की बू आ रही है, ये मुख्यमंत्री ऑफिस का काम नहीं है। निश्चित तौर पर अपूर्व जी, हाफिज गांधी जी का ये सब कहना ये स्वाभाविक है, और मैं तो अभी सीधे सीधे मैं आपको फिर से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की प्रेस की तरफ ही ले चलती हूँ कि उन्होंने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मुझे भगवा रंग भी पसंद नहीं है और मुझे नीला रंग भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने हर चीज को सफेद करवाया था और मंदिर को मैं छोड़कर जा रहा हूँ, छोड़ करके गया हूँ। सवाल आश्चर्य की बात ये है, आश्चर्य की बात ये है कि मैं आपकी भी बात का जवाब दूंगी कि मैं एक मंदिर को भी नहीं छोड़ सकती। आपने वहां पर कहा है देखिए पॉलिटिक्स क्यों ना करो भाई, पॉलिटिक्स का ही असर है, पॉलिटिक्स ना करो। और आपने सीधे सीधे क्या राजनीति की, हाफिज जी उन्होंने सीधे सीधे एक बात कही, नहीं देखिए उन्होंने सीधे सीधे एक बात कही कि क्या ये मंदिर छोड़ा, क्या ये आश्चर्य की बात है कि हिंदू धर्म का मानने वाला हर व्यक्ति जब अपने घर को छोड़ करके जाता है चाहे वो घर पर किराए पर ही क्यों ना रहता है, सबसे पहले अपने मंदिर पर ही जाते हैं। अपनी बात रखिए गांधी साहब, अब्दुल हफीज गांधी जी जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। आपको दिक्कत होगी आप सवाल पूछ लीजिएगा, आप सवाल खड़े कर लीजिएगा, एक बार जवाब पूरा सुनने तो दीजिए। जो है किसी के घर पे मीडिया, एक सेकंड, ठीक है, संपत्ति विभाग का काम, दीप्ति जी चीफ मिनिस्टर काम होना चाहिए। सीधा सवाल का सीधा जवाब मैम, इधर उधर का नहीं, क्या कर रहे थे एसडी वहां पर? देखिए मैं तो सीधी सी एक बात जानती हूँ कि आज जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैं फिर उसी पर आऊंगी। या तो आप मुझे उत्तर देने दीजिए या फिर आप सब्र करिए थोड़ा सा, है ना, तो उसका काम चलेगा। तो स्वाभाविक है कि आप मंदिर छोड़ करके जाते हैं और बाकी सारी चीजें ले जाते हैं, आपको भगवा रंग पसंद नहीं है, आपको नीला रंग पसंद नहीं है। अरे वो क्या छोड़कर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, उन पर छोड़िए ना, आप बताइए मुख्यमंत्री के ओएसडी वहां पर क्या कर रहे थे, जो सवाल जायज है। दीप्ति जी जो सवाल जायज है, या तो आपके पास जवाब है नहीं, आप देना नहीं चाहती। वो पहले चीफ मिनिस्टर हाउस की बात कर रहे थे जहाँ योगी जी रहे। दीप्ति जी इस सवाल से बचकर आप ही, एक सेकंड सर, इस सवाल से बचकर और इस सवाल के जवाब को टालकर आप ही उन आरोपों को बल दे रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप लोग की तरफ से साजिश है। नहीं, हमारी कोई साजिश नहीं है। फिर जवाब क्यों नहीं दे पा रही हैं आप ये क्यों नहीं बता पा रही है, जस्टिफाई कीजिए कि वहां पर क्या कर रहे थे एसडी, क्या करने गए थे एसडी, जब राज्य संपत्ति विभाग का ये पूरा मामला है तो राज्य संपत्ति विभाग को ये तय करना है बंगला कैसा है, क्या तोड़फोड़ हुई है, क्या नहीं है, क्या दिया था, क्या ले गए, एसडी क्या कर रहे थे वहां पर, सवाल जाए। एक बात बताइए, अखिलेश जी ने चाबी राज्य संपत्ति विभाग को ही दी थी, राज्य संपत्ति विभाग ने वो चाबी जो है जब घर का मुआयना करने के लिए आए तो वो पूरी टीम के साथ है, और उसमें अगर अभिषेक कौशिक भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और मीडिया भी पहुंची हुई है तो उसमें बड़ाई क्या है, और अगर मीडिया तो मीडिया मुख्यमंत्री को एडवाइस करने के लिए है वो घर पर जाए। कोर्ट ने आपको थोड़ा सा भी समय नहीं दिया, हमने टाइम मांगा आपकी सरकार ने टाइम नहीं दिया, हमने हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम मांगा, हमने जो अभी काम की प्रक्रिया है उसको अपनाया, हमने राज्य संपत्ति विभाग में एप्लीकेशन दी थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया था, जो भी इधर कानूनी तरीका हो सकता है तो माननीय अखिलेश जी का अपनाया। आपको बताइए कि चीफ मिनिस्टर के ओएसडी और मीडिया एडवाइजर वहां क्या कर रहे थे, अगर ये ठीक है आपस में झगड़िए, आपस में मत झगड़िए, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। जरा गंभीरता से, जरा गंभीरता से, हालांकि गंभीरता आप लोगों ने छोड़ी नहीं है सियासत में, लेकिन फिर भी जरा उम्मीद करूंगा यहाँ गंभीरता से पेश आइए। आपको आपने तोड़फोड़ कराई है, चोटी पॉलिटिक्स को कर दिया है, पॉलिटिक्स को इतना उसका स्तर मत गिराइए प्लीज, यहाँ पर इस तरीके से लड़ाई बंद कीजिए, दंगल नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ दंगल नहीं लड़ना है सर, एक एक करके अपनी बात रखनी है, यहाँ दंगल नहीं लड़ना। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, अखिलेश जी चलिए अगर ये कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं तोड़ा और मेरा जो सामान था वो मैं ले गया, ठीक है, समझ में आता है। बीजेपी कहती है क्योंकि उसकी सरकार है, राज्य संपत्ति विभाग उसके अंदर है, उसने कहा कि तोड़ा है, लेकिन आपकी जो थ्योरी थी अभी जो कुछ देर पहले आपने कहा
के आरोप में अखिलेश जी को फंसाया जा रहा है, जरा बताएंगे आपने कहां से ये तय कर लिया और आपकी कौन सी ऐसी जांच एजेंसी है, कौन सी वाली जांच एजेंसी है जिसने जाकर ये जांच की कि अखिलेश यादव जो हैं वो पाक साफ हैं और सरकार दोषी है। देखिए अपूर्व भाई, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हम उस गांधी के विचारधारा की पार्टी के सर, लोग जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। मैं अपनी पूरी बात करूंगा, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए फिर अपनी पूरी बात जो आपकी गांधी वाली बात है वो ले आइएगा। देखिए निश्चित तौर पर मैं पहले ही अपने प्रस्तावना में इस बात को कहा था, शुरुआत में इस बात को कहा था कि राजनीतिक व्यक्तियों को शुचिता और ईमानदारी। सर ये आप लोग सिर्फ कहते हैं करते नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो कांग्रेस, वो अपूर्व भाई आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी हैं जब 2004 में पॉलिटिक्स में आते हैं और देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा तो अपने नेताओं, अपने ऊपर खुद उन्होंने ढालने का प्रयास किया कि कोई भी कांग्रेस का नेता, कोई भी मंत्री जो है बिजनेस क्लास में नहीं चलेगा, इकोनॉमिक क्लास में चलेगा। आज तक जो है सवाल क्या पूछा मैंने, कहां ले गए राहुल गांधी 2004। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इसलिए कोट कर रहा था कि वो एक धोती में दो धोती पहन करके और देश को आजाद कराया था और देश को एक नैतिकता के बल पे इस देश को आजाद करा के और राष्ट्रपिता महात्मा हम कौन सा कह रहे हैं आजाद नहीं कराया था, ये मुद्दा है क्या आपका? कुर्बानियां हमने कहा कि यहाँ पर किसी ने भी ये कहा कि आजाद नहीं कराया था, ये मुद्दा कहाँ से ला रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अपूर्व भाई ये कहना ये कहा कि मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ आप, कहाँ गांधी जी उन्होंने आजाद करा दिया सर, याद करके आए क्या? मैं अपूर्व भाई आपका प्रश्न का सीधा जवाब दे रहा हूँ, दीजिए जवाब दे रहा हूँ। हाँ सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये टोटी की जो ये पॉलिटिक्स चल रही है इसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई हुई है उनके विपक्ष के एकता के कारण। और निश्चित यही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, कौन सी जांच एजेंसी से आपने जांच करवा ली, आपको पता चल गया कि अखिलेश सही है सरकार झूठ है? जो बातें अब्दुल हफीज ने यहाँ रखी है वो तार्किक ढंग से रखी है कि आखिर जब 2 तारीख को सचिव देव को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बंगला खाली करने का समय था, मुलायम सिंह यादव जी ने भी, मायावती जी ने भी और अखिलेश यादव जी ने, जब उनको समय नहीं मिला तो ये बंगला खाली कर दिया। और निश्चित तौर पर मेरे पास भी एक पक्का इंफॉर्मेशन और सबूत है कि ये जो घटना हुई है जो वहां तोड़फोड़ की, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पे जो स्टेट डिपार्टमेंट के राज संपत्ति के अधिकारियों से दीप्ति जी जवाब देना चाह रही है। चलिए दीप्ति जी जवाब दे दीजिए, विजय जी के पास ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने लालू यादव का बदनाम किया, जिस तरीके अभी आप दलितों के साथ, अभी आप कह रहे थे राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सर एक सेकंड, नैतिकता होनी चाहिए, ये सहमे हुए और जो मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका करके ये इस तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी गेम कर रहे हैं जो देश की जनता और प्रदेश की जनता समय आने पर खड़ा जवाब देगी। ठीक है दीप्ति जी। अपूर्व जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राज्य संपत्ति विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अंदर आता है और उन्होंने वहां पर, वो तो जाएंगे नहीं, निश्चित तौर पर अपने किसी अधिकारी को भेजेंगे और उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसमें कहीं कहीं वो शक के दायरे में नहीं आते, नंबर एक बात। और सीधे क्या ओएसडी को भेजा, मीडिया गई थी और राज्य संपत्ति विभाग के लोग गए थे, राज्य संपत्ति विभाग के लोग गए थे। संपत्ति विभाग के जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे सीएम सीएम ऑफिस सीधा इंटरव्यू करेंगे। आपका क्या कहना जो है गांधी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ओएसजी ने जाकर तोड़ा कि ये साजिश है, ओएसजी ने जाकर तोड़ा है, बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी के इल्जाम। तो अगर आपको ये साजिश लग रही है तो जाके केस क्यों नहीं करते, ध्यान भटकाना चाहिए। अगर आपको ये साजिश लग रही है सर, अगर आपको ये साजिश लग रही है ठीक कर सकते, अगर आपको ये साजिश लग रही है अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब संचालित सरकार है जो बोलते रही है, समाजवाद
आरएसएस के द्वारा संचालित सरकार है, उनका हथियार है, लोगों में अफवाह फैलाना चाहता है। ठीक है, एक सेकेंड, आप लोग राजनीतिक दंगल मत करिए यहाँ पर, एक एक करके अपनी बात रखिए तो ठीक है। ठीक है सर, एक सेकेंड, ठीक है विजय उपाध्याय जी, सारे के सारे ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पहले हैं और गवर्नर बाद में है और चीफ मिनिस्टर बाद में है, इनके लिए संविधान, इनके लिए कानून, ये तरीका ठीक है। विजय उपाध्याय जी, गवर्नर को ये कह देना कि वो आरएसएस की आत्मा उनमें है, आरएसएस के वो एजेंट हैं, ये बताने की कोशिश हो रही है कि राम नाईक जी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये ठीक है क्या सर? टोटियां लहराना, राज्यपाल पर सवाल खड़े कर देना, अरे सीधा सी बात थी, अगर इतने ही पाक साफ थे तुरंत आरोप का जवाब देने सामने आना चाहिए था। मायावती ने जो किया बंगला खाली करते समय, वो भी किया जा सकता था, वो भी एक ऑप्शन था ताकि कोई विवाद ना हो दूर दूर तक। देखिए अपूर्व जी, जहां तक राज्यपाल की बात है, अखिलेश जी ने कोई नई बात नहीं कही है, खुद राज्यपाल नाईक ने कम से कम 10-12 मर्तबे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि मेरे अंदर आरएसएस की आत्मा है, मैं आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पे मैंने अपना जीवन शुरू किया है। तो इसमें जब खुद गवर्नर ने इसको मान लिया है कि हाँ मैं आरएसएस के कार्यकर्ता से मैंने अपना जीवन शुरू किया है, तो इसमें कोई ये बात कहने से कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कहना चाहिए, और कहीं रोक नहीं है, संविधान कहीं मना नहीं करता कि कोई आरएसएस का कार्यकर्ता हो या कम्युनिस्ट का कार्यकर्ता हो या किसी एनजीओ का कार्यकर्ता हो, तो आरएसएस भी एक एनजीओ है, तो कहीं मना नहीं है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगर कार्यकर्ता हैं तो आप गवर्नर बनने से तो कोई रोक नहीं है, गवर्नर तो बन सकता है। अब बाद में अगर कोई कहे उसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आत्मा है, हाँ आत्मा होगी, इसमें बुराई क्या, वो अच्छी बातें अगर कोई करता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां कहता है कि बुरे काम करिए, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आरएसएस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उससे जुड़ा कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिक्स के सहारे या बिना पॉलिटिक्स में रहते हुए कोई अगर गवर्नर बन जाता है तो कोई बुरी बात नहीं। देखिए कंडक्ट होना चाहिए उसका, वो इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात यह है कि गवर्नर ने सवाल क्या उठाया, गवर्नर ने ही तो लेटर लिखा अभिषेक गुप्ता के मामले में, जिसका जिक्र बार बार विपक्ष करता है उत्तर प्रदेश में, तो वो तो गवर्नर ने ही लिखा था, और गवर्नर की चिट्ठी जब अभिषेक गुप्ता के पास गई तब पता लगा कि भाई ये चिट्ठी भी लिखी थी, वरना तो जानकारी में भी नहीं था, और विपक्ष ने कहीं उस तरह से मदद भी नहीं की लोगों की जिस तरह से मदद होनी चाहिए। आज देखिए बहस कहां जाके पहुंच गई है, ये टोटी की बहस, देखिए बहस चली गई काफी आगे और एक ट्रैप में फंसते नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि इस बहस से बाहर इनको आना चाहिए, मुद्दों को बदलना चाहिए और इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जितने दिन बंगले पे और टोटी पे बहस होगी उतने दिन जो छवि है अखिलेश यादव जी की, शालीन और एक बहुत ही सुशिक्षित व्यक्ति की, और मैं तो मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश जी के, वो अखिलेश जी आजकल का मैं बड़ा आजकल था। आजकल अखिलेश जी के आप बयान भी सुनिए, कपलेट वाला भी आपने बयान सुना होगा अधिकारियों पर जो कहा। नहीं नहीं, देखिए अपूर्व जी, अधिकारी कपलेट उठाते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुख्यमंत्री के कपलेट उठाना कोई बुरी बात नहीं, मुख्यमंत्री को ऑनर देना, सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति है कि टेबल सामने है, टेबल हटानी है, तो टेबल भी हटा देते हैं लोग, लेकिन वो मुख्यमंत्री का होता है, व्यक्ति का नहीं होता। मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो सड़कें धुलती थी लखनऊ की, उसके बाद उनका काफिला चलता था, लेकिन आज सड़कें नहीं धुलती हैं क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो मुख्यमंत्री रहने पे जो पूरा कारकेट चलता है योगी जी का, वो कभी अखिलेश का चलता था, उसके पहले मायावती जी का चलता था, उसके पहले मुलायम सिंह का चलता था, उसके पहले राजनाथ का चलता था, उसके पहले रामप्रकाश गुप्ता का चलता था, उसके पहले कल्याण सिंह चलते थे। तो ये चीजें तो मुख्यमंत्री का जो पद है वो पद जो है वो उसका महत्व है, और इसमें किसी को सम्मान देना, हम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री को अगर कोई अधिकारी सम्मान देता है तो निश्चित तौर पे उसे देना चाहिए। अगर वो कपलेट भी हटा दे तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसे बुरा नहीं मानता, ये तो हमारे सामान्य एटिकेट और व्यवहार में आता है। सवाल ये भी खड़ा, ये टोटी पॉलिटिक्स, ये टोटियों नलकों पर झगड़ने वाली पार्टियां देश चलाएंगी सर? बात यही है ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि जो मुद्दे हैं ये मुद्दे, देखिए बहस तो इन मुद्दों पे होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी भी इस बात की मिसिंग कर रही है कि 50 लाख मीट्रिक टन इन्होंने गेहूं खरीद लिया 3 लाख से ज्यादा किसानों से, तो बहस तो यहां भी नहीं हो रही है, बहस तो जो बुनियादी सवाल है उन पे तो नहीं हो रही है, बहस तो आके बंगले और टोटी पे हो रही है। क्यों? क्योंकि जनता को इसमें रुचि आ रही है,
और जनता जिस चीज में रुचि लेती है लोग उसकी तरफ चर्चा करना शुरू कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी को इस टोटी पॉलिटिक्स से अपने को जितनी जल्दी हो सके विड्रॉ करना चाहिए, और चूंकि सरकार को ये सूट कर रहा है और ये इतना ज्यादा सूट कर रहा है कि एक डिफेंसिव पॉलिटिक्स में ला के खड़ा कर दिया है। आखिर कौन से हालात थे कि अखिलेश जी को टोटी लहराना पड़ा, कि कोई जरूरत नहीं थी। अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जो आरोप लगा उन्होंने स्वयं टोटी उठा लिया। अगर मीडिया कहीं गलत है तो मीडिया को आप बताइए एक सही बात यह है, और अगर कहीं सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया है, तोड़ा फोड़ा है, या सरकार के आप किसी अधिकारी को किसी सरकारी मकान में जाने से नहीं रोक सकते, और खासतौर पर तब जब आपने चाबी सौंप दी हो। आपको बाकायदा उस मकान के इन्वेंट्री अगर नहीं थी तो इन्वेंट्री बनवा के दे देना चाहिए था कि भाई मकान की ये इन्वेंट्री है, मैं ये सौंप रहा हूं। ये खाली करने वाले की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ विभाग तो राज संपत्ति विभाग तो इस तरह का विभाग है किसके बारे में कुछ कहना ही फिजूल है। ये किस तरह से काम करता है आज तक समझ में ही नहीं आया, तो इसलिए राज संपत्ति विभाग क्या करता है वो अलग इशू है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते, एक शालीन व्यक्तित्व के नाते इन्वेंट्री देना तो उस आदमी की भी जिम्मेदारी जो उसमें रहता है। ठीक है, तो अब्दुल हफीज गांधी साहब, यानी आप खुद ही फंस गए। कहां सोचा था टोटियां लहराकर थोड़ा माहौल बनेगा, अटैकिंग आपने स्ट्रोक खेला लेकिन हिट विकेट हो गए सर। नहीं देखिए अपू जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो इनकी विफलताएं हैं उनसे ध्यान हटाना चाहती है। अखिलेश जी के खाली किए हुए बंगले को आगे रखकर जो इनके केसेस हैं एसपी गोयल के और अभिषेक गुप्ता के, उसको दबाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। डिमोनेटाइजेशन होता है तो कोई और मुद्दा उठा के खड़ा कर देते हैं, जीएसटी करते हैं तो कोई और मुद्दा खड़ा कर देते हैं। आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में है, उसका महारत हासिल है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन चीजों का जब आप पे इल्जाम लगते हैं तो जवाब देना पड़ता है। और जिस तरह की चीजें मैं बार बार उठा रहा हूं कि ओएसडी, मृत्युंजय कुमार, ये अभिषेक कौशिक जी, इनका वहां पर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीजें वहां क्या थी क्या नहीं थी, ये राज्य संपत्ति की जो बिल्कुल ही जो अधिकारी होते हैं, जो नीचे लेवल पर काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है जाके चेक करना। अगर आपको साजिश लग रही है, एक सेकंड सर, अगर आपको साजिश लग रही है, आपने उस साजिश से पर्दाफाश के लिए आपने क्या किया? देखिए मुझे साजिश, या फिर आप सिर्फ टीवी स्टूडियोज में बता रहे हैं साजिश, और है नहीं, आपको भी पता है सर। देखिए इस साजिश इसलिए लग रही है कि एक तरफ से सरकार इस तरह की चीजें करा रही है, एकदम से जो है तो सरकार के खिलाफ लिख देते हैं, सरकार के खिलाफ कोर्ट में, सरकार को कोर्ट में खींचिए ना फिर, कि साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। देखिए हम पार्टी में हमारी मंत्रणा चल रही है कि इस पे आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन हफ्ते भर से सर मंत्रणा ही चल रही है। ये यही तो सवाल खड़े करता है कि आप लोग भी कंफ्यूज हैं। देखिए क्या क्या स्टेप्स आगे लिए जाएंगे, इस पर मंत्रणा तो होगी ना, बगैर मंत्रणा के क्या आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज जितने ये दावे करते हैं कि रिकॉर्ड खरीदारी की, ये क्या वो किया, उन सभी सारे दावों पर विफल है, क्योंकि कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर किसान जी कैसे साबित कर पाएंगे अपने आरोपों को कि अखिलेश यादव ने तोड़फोड़ की है? बताइए जल्दी से, फिर मुझे वाइंड अप करना है। आपके पास 30 सेकंड है दीप्ति जी, कैसे साबित करेंगे अपने आरोप? निश्चित तौर पर बिहार में चारा और उत्तर प्रदेश में टोटी, यही दो चीजें हैं समाजवाद के नाम पर, और सारी दुनिया उनको देख रही है। और इसमें मुझे कुछ कहना भी नहीं है अब, क्योंकि हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध स्वयं अखिलेश यादव जी ने ही कर दिया कि वो क्या करके गए थे और समाजवाद की कैसी धज्जियां उड़ा करके वो गए हैं। अगर एक समाजवादी व्यक्ति राज्य संपत्ति में अपने रहने के लिए राज्य संपत्ति के द्वारा लगाई गई धनराशि से भी कहीं ज्यादा करोड़ रुपए खर्च कर देता है उसको बनवाने के लिए, तो ये समझ में आ जाता है कि ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और कैसा कहा गया है इसका निश्चित तौर पर विधानसभा के सामने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, उसका पैसा करोड़ों रुपए कहां से आएगा? तो जनता को ठीक है, समय इतना ही हमारे पास, समय इतना ही है सर। माफी के साथ आप सभी को यहीं पर रोकूंगा, अब्दुल हफीज गांधी साहब, दीप्ति जी, देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका बिग बुलेटिन का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है कि देश की विडंबना ही है कि आप महिलाओं पर, उनकी सुरक्षा पर, कानून व्यवस्था पर, गरीबी से इतर आज उत्तर प्रदेश की सियासत टोटियों, नलकों, स्विमिंग पूल पर आकर टेक गई है। विडंबना ही कहा जाएगा इसे। इसी के साथ फिलहाल बिग बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।